तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं है, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में? लेने जा रही है बागी 4। आखिर टाइगर ने HRX और पटौदी हाउस जैसे ब्रांड्स को कैसे टक्कर दी, कौन सी नई शुरुआत कर रहे हैं टाइगर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बागी स्टार टाइगर के कपड़ों के कलेक्शन क्या गजब के होते हैं। सबका मानना है कि टाइगर हमेशा इतने स्टाइलिश और सरल दिखते हैं कि हर कोई उनका फैशन, उनका स्टाइल कॉपी करता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर स्टाइल का राज क्या है। आपको बता दें, फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे और एक्टर टाइगर श्रॉफ भी अब लाइफस्टाइल बिजनेस में उतर गए हैं। टाइगर श्रॉफ से पहले भी कई फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस लग्जरी लाइफस्टाइल के बिजनेस में उतर चुके हैं। हर किसी के नाम पर उनका एक ब्रांड है, जैसे कि रितिका, HRX जो काफ़ी पॉपुलर है, सलमान, अनुष्का, सैफ, करीना, सब के अलग अलग ब्रांड्स हैं। मतलब कि कोई पीछे नहीं, कोई भी फिल्मी सितारा ऐसा नहीं है जिसके ब्रांड्स नहीं हैं। तो अब टाइगर ने भी सोचा क्यों पीछे रह जाए, तो उन्होंने भी कहा है कि मैं इस ब्रांड की शुरुआत कर रहा हूँ, इसका हिस्सा बन रहा हूँ, और ब्रांड का नाम है प्राउड। और ये ब्रांड, उन्होंने कहा कि मेरी जो शख्सियत है उसका प्रतिबिंब है, मैं ऐसा ही रहता हूँ, मैं दिन भर एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ स्टाइलिश बढ़िया दिखने वाले लेकिन सहज कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, और ये ब्रांड उसके लिए एकदम फिट है। साथ ही फैशन के साथ पैशन की कड़ी में भी अब टाइगर का नाम जुड़ चुका है। पैशन फैशन दोनों ज़बरदस्त कूट कूट के भरे टाइगर में। टाइगर श्रॉफ ने प्राउल ब्रांड के साथ लाइफस्टाइल बिजनेस में कदम रखा है। ये ब्रांड टाइगर ने मोजो स्टार के साथ सहयोग से खोला है। इसी के साथ ये मोजो स्टार का भी पहला ब्रांड है। प्राउल ब्रांड के साथ टाइगर श्रॉफ युवा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि उनकी फिटनेस के साथ उनका लाइफस्टाइल भी कॉपी करना चाहते हैं। इस फैशन परस्त ब्रांड के ज़रिए कंपनी का मकसद बेहद स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज बनाना है। वहीं टाइगर श्रॉफ ने ब्रांड के बारे में अपने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। तो इससे जुड़ी एक और बात आपको बता दें, बागी 4 हीरोपंती 2 की ज़्यादातर कास्ट फिल्म में इसी ब्रांड के कपड़े पहनने वाली है, क्योंकि टाइगर अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी आम इंसान को उन्हें ये कपड़े पहनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद इसे पहनना होगा, पूरी टीम को वो कंफर्ट लेवल चेक भी करवाना होगा, तभी जाकर लोग इस पर विश्वास करेंगे और इसे खरीदेंगे। तो अब बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का वैसे ही जलवा है, और अब इस फैशन ब्रांड के जरिए भी वो जलवा भी है। आपको कितना इंतज़ार है बागी 4 का, ज़रूर बताइएगा। रिलीज डेट की बात करें तो अगले साल तक ही इसे रिलीज़ किया जाएगा। इस साल के एंडिंग में प्लानिंग है कि इसका शूट शुरू कर देंगे। तो कितना वेट हो रहा है आपको बागी 4 का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।